इंडिया में रहने वाले सारे लोगों को भगवत गीता के बारे में मालूम है। सब लोगों ने लगभग गीता का नाम सुना है। आज हम उसी मंदिर का दर्शन करेंगे आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मथुरा और वृंदावन की भगवत गीता मंदिर, यानी कि जो बिरला मंदिर के नाम में फेमस है, वही मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे। ये मंदिर मथुरा जंक्शन से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इधर से आप अगर वृंदावन जाएंगे तो आपको 6 किलोमीटर लगेगा। मतलब ये मथुरा वृंदावन की रोड की बीचों बीच है। अगर आप इधर रुकते हैं, इधर एक धर्मशाला है, यहाँ एसी नॉन एसी सब कुछ रूम आपको मिल जाएगा, नीट एंड क्लीन है। 150 रुपये से लेके 800 रुपये तक अगर आप खर्चा करेंगे तो डबल बेडरूम अगर आपको चाहिए तो 500-600 में मिल जाएगा। अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आप फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं, आप उसी हिसाब से रूम ले सकते हैं। 300 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो आपको अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। अगर आप एक बार जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा नीट एंड क्लीन है। अगर आप मथुरा वृंदावन के लिए प्लानिंग करते हैं तो आप इधर रूम लेंगे तो दिन भर किधर भी घूम के रात को आके पहुँचेंगे, तो आप ज़्यादा भी दूर भी नहीं है, 5-6 किलोमीटर के अंदर में सब कुछ आपको आ जाएगा, आपका पैसा भी बचत हो जाएगा। ये मंदिर भी रोड की साइड में है, ये मंदिर को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी जगह के लिए आप प्लान करते हैं, आपको इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगा एक एक जगह के लिए, वो 20-30 रुपये से लेते हैं। आप जिधर जाना है वही जगह बोलेंगे तो आप आराम से जा सकते हैं। ऑटो का कोई झंझट नहीं है, ऑटो रिजर्व करें तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, नहीं तो आप शेयरिंग ऑटो में भी जा सकते हैं। ये टेम्पल भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। 1946 में सेठ जुगल किशोर ने अपनी माँ बाप की याद में ये मंदिर को बनाए थे। ये मंदिर में वास्तुकला एवं पारंपरिक की हिंदू शैली में बनाया गया है। सारे देवा देवी को उनकी दीवार पर चित्रित किया गया है। ये मंदिर में 3 गर्भगृह है, भगवान विष्णु का, कृष्ण का एवं भगवान श्री राम माता सीता का है। लेफ्ट साइड में भगवान विष्णु का, बीच में चक्रधारी कृष्ण का एवं राइट साइड में भगवान राम का प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ये मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है, फिर 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुल कर रात को 8 बजे बंद हो जाता है। ये मंदिर का जो मेन आकर्षण है वो है एक लाल कलर का स्तंभ, यानी कि गीता स्तंभ, जहाँ पर भगवद गीता की 700 श्लोक यानी कि पूरा 18 अध्याय लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बोले हम किससे युद्ध करेंगे, कोई मेरा भाई है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, हम युद्ध नहीं कर सकते, हम किसी का खून से नहीं खेल सकते। जब वो युद्ध ना करने के ठान लेते तो भगवान कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिए थे, वही उपदेश इधर लिखा हुआ है, इसलिए मंदिर फेमस है। हम जब गए थे तब रात हो गया था, मतलब मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा है, इसलिए वीडियो में ठीक से बना नहीं पाई। ये देखिए वो गीता स्तंभ है और ये अर्जुन का रथ है जहाँ पर भगवान कृष्ण विराजमान है। इधर पास है कि दक्षिणमुखी हनुमान का मंदिर है, आप उधर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।